अगर आप छत की लीकेज से परेशान हो चुके हो और ये जानना चाहते हो कि किस तरह से हम कम खर्च के अंदर सही तरीके से अपने छत का वाटरप्रूफ कर सकते हैं जिससे कि हमें लीकेज की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप आधी अधूरी जानकारी लोगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि इस वीडियो में पहले हम कोट के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद में हम उसके जो रिजल्ट्स है उसके बारे में भी देखेंगे, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, जिससे कि आपके पैसे बच सके। अब छत का लीकेज निकलने के लिए कुछ वीडियो में आपको ऐसा बताया जाता है कि पहली चीज तो आपको बताई जाती है वो ये कि आपको जो है सीमेंट लेना है, उसके बाद में पानी लेना है, डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल लेना है जो कि है LW+101, उसके बाद में आपको थोड़ी सी सैंड लेनी है और इन सभी चीजों को आपको एक साथ मिक्स कर लेना है, एक सीमेंट का पतला घोल बना लेना है और ऐसे बने हुए घोल को आपको ब्रश की मदद से या फिर किसी डिब्बे की मदद से आपके छत के ऊपर अप्लाई कर देना है और उसे सही तरीके से जब आप तराई कर लेते हो तो आपके लीकेज की समस्या का आपको समाधान मिल जाता है। और ये जो कोट आपने किया है ये बहुत ही कम खर्च के अंदर हो जाएगा, कम से कम 300 से लेकर 400 रुपए के खर्च के अंदर आप इस कोट को अपने छत के ऊपर अप्लाई कीजिए और लीकेज की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के कोट जो है क्या ये वाकई में काम करते हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि आप इस कोट के लिए जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो वो है डॉक्टर फिक्सिट का LW+101, जो कि कंपनी खुद कहती है कि इसका एप्लीकेशन आपको कॉन्क्रीट के अंदर या फिर मॉर्टर जो होता है, तो अगर आप चाहो तो इन दोनों के लिए आप डॉक्टर फिक्सिट के LW+101 का इस्तेमाल कर सकते हो। पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि डॉक्टर फिक्सिट का LW+ जो है वो वाटरप्रूफिंग केमिकल नहीं है, वो कॉन्क्रीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जब आप इस तरह की स्लरी का इस्तेमाल अपने स्लैब के ऊपर करते हो तो इसका नुकसान ये होता है कि आपका जो स्लैब और ये जो कोट है इन दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से आपका स्लैब और ये जो सीमेंट स्लरी है इन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है और आगे चल के जब धूप लगती है ऐसे में ये जो पूरा कोट है ये धीरे धीरे करके उखड़ने लगता है। अब शुरुआती वक्त में आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि शुरुआती वक्त में आपको ये चीज़ें पता नहीं चलती है, पर जब आगे चल के तेज़ धूप गिरती है ऐसे में इस कोट की पपड़ियाँ धीरे धीरे करके निकलने लगती है और ये कोट किसी भी काम का नहीं रहता है, आपको वापस से अपनी छत की क्लीनिंग करवानी पड़ती है। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, रिजल्ट्स आपके सामने है। भले आपने कोट करते हुए जरूर देखा होगा, पर कोट करने के कुछ महीने बाद क्या होता है ये आप अपने आंखों से ही देख लो। यहाँ पर डॉक्टर फिक्सिट के उसी कोट को अप्लाई किया गया था जो कि आगे चल के बहुत ही खराब साबित हुआ। इसकी वजह से पैसे का नुकसान हुआ, आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आपकी लीकेज की समस्या भी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो अगर आप ऐसी लीकेज की समस्या से बचना चाहते हो तो इसके लिए वाटरप्रूफिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग करवा सकते हो, चाहो तो आप अपने छत के ऊपर IPS वाटरप्रूफिंग करवा सकते हो, बिटुमेन वाटरप्रूफिंग भी आपके छत के ऊपर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस तरह से डॉक्टर फिक्सिट के भी कुछ केमिकल आते हैं जिनका कि अगर आप वाटरप्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। आपके छत के वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट के कुछ केमिकल अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं जो कि डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। डॉक्टर फिक्सिट के पीडीक्रिट URP 301 की, तो ये जो केमिकल है ये वाटरप्रूफिंग केमिकल होता है। इसके क्या क्या फायदे होते हैं ये पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि ये हाईली वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप बहुत सारी जगह पर कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके टॉयलेट बाथरूम में लीकेज की समस्या है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका इस्तेमाल अपने टेरेस के लिए कर सकते हो, कंक्रीट के ऊपर जो श्रिंकेज क्रैक आ जाते हैं तो उन्हें रिड्यूस करने का काम भी ये केमिकल करता है। ये जो केमिकल है इसका इस्तेमाल खास करके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, क्योंकि जो नया कंक्रीट होता है और पुराना कंक्रीट है इन दोनों के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करने का काम ये केमिकल करता है। इसकी वजह से जो मॉर्टर की एडहेसिव स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, यानी कि जो चिपकने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। और ये जो केमिकल है इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान होता है, साथ में ये इकोनॉमिकल भी होता है और ये मल्टीपर्पज भी होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस URP 301 के आते हैं। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर ही ये जो URP केमिकल है इसका इस्तेमाल काफी गलत तरीके से किया जाता है। जब भी इस केमिकल का इस्तेमाल करना होता है तो लोग इसके अंदर पानी को मिक्स कर देते हैं और डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। इसके लिए आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको क्या करना है 1.5 kg सीमेंट लेना है और 1 kg URP लेना है और फिर इन दोनों को मिक्स कर लेना है और इसे आपका जो कॉन्क्रीट सर्फेस है उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। रही बात कवरेज की, तो 1 लीटर के अंदर 2 से लेकर 2.5 स्क्वायर मीटर कवरेज आपको इस केमिकल से मिल सकता है। इसके बाद आता है डॉक्टर फिक्सिट का नेक्स्ट केमिकल जो कि है डॉक्टर फिक्सिट पीडीफिन 2K112।
अब ये जो केमिकल है इसका भी इस्तेमाल आपके वाटरप्रूफिंग के लिए किया जाता है, पर इसका बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपका वाटरप्रूफिंग का एरिया काफी बड़ा है तो वहां पर आपको इस केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। कि अगर एरिया बड़ा है तो वहां पर 301 URP को रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये जो URP है इसके ऊपर छोटे छोटे क्रैक दिखाई दे सकते हैं, जिस वजह से आगे चल के लीकेज की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए अगर एरिया छोटा है तो वहां पर आप 301 का इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर एरिया बड़ा है तो वहां पर आपको पीडीफिन 2K112 का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये 301 URP का एक एडवांस वर्जन होता है, क्योंकि इसमें आपको इलोंगेशन मिलता है जो कि आपको URP में नहीं मिलता है। अब इस इलोंगेशन का फायदा यह होता है कि जब भी आपका स्लैब का एरिया बड़ा होता है तो वहां पर इलोंगेशन या फिर कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि आपका जो कंक्रीट है वो फैलता है या फिर सिकुड़ता है बहुत ही कम प्रमाण में, पर उसकी वजह से आपके स्लैब के ऊपर दरारें दिखाई देती है। अब कंक्रीट की तरह अगर आपका केमिकल नहीं फैलता है, ऐसे में आपका जो केमिकल है उसके ऊपर क्रैक दिखाई देते हैं, तो वैसी दिक्कत आपको पीडीफिन 2K में नहीं दिखाई देती, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा इलोंगेशन मिलता है जिस वजह से ये फैलता भी है, और इसी वजह से आपका जो केमिकल है उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार के क्रैक जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। और ये जो डॉक्टर फिक्सिट पीडीफिन 2K है, इसका इस्तेमाल आप अपने रूफ स्लैब के लिए, बाथरूम स्लैब के लिए, वाटर टैंक के लिए कर सकते हो, यहां तक कि दो घरों के बीच में जो कॉमन वॉल होती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां पर एक सवाल यह आ जाता है कि अगर हम इस केमिकल का इस्तेमाल पीने के पानी के टंकी के अंदर करते हैं तो क्या उस टंकी के अंदर का पानी हम पी सकते हैं? तो जी हां, अगर आप इस केमिकल का इस्तेमाल करते हो फिर भी आप उस टंकी के अंदर का पानी पी सकते हो। अब ये जो केमिकल है इसे इस्तेमाल करने का तरीका काफी आसान होता है। ये 2-component प्रोडक्ट होता है जिसमें कि आपको एक पाउडर मिलती है और दूसरा जो कि होता है लिक्विड। इन दोनों को आपको मिक्स करना होता है। इसे मिक्स करते समय आपको इसमें बाकी चीजों को ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि सैंड हो, वाटर हो या फिर सीमेंट हो, ऐसी चीजों को आपको पीडीफिन 2K अंदर मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप पीडीफिन 2K के 2 coat दे सकते हो। और रही बात कवरेज की, तो 2 coat अगर आप करवाते हो तो 1 kg मिक्सचर में 7 square feet एरिया कवर होता है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर फिक्सिट के नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है डॉक्टर फिक्सिट फास्ट फ्लेक्स 113। अगर आपकी छत बहुत ही बड़ी है या फिर आप कोई स्विमिंग पूल बनवा रहे हो उसके वाटरप्रूफिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कोई जकूजी बना रहे हो या फिर जहां पर पानी आपका इकट्ठा होता है ऐसी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप किचन हो या फिर बाथरूम हो, ऐसी बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और वाटर टैंक के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वाटरप्रूफिंग है इसमें आपको बहुत ही मोटी लेयर मिलती है वाटरप्रूफिंग की, जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा इलोंगेशन मिलता है। साथ में इसमें आपको ज्यादा खींचने की क्षमता मिलती है और इसमें आपको ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मिलती है। इसकी और भी एक खासियत होती है कि इसमें आपको ब्रीदेबल कोटिंग मिलती है। इसमें आपको जो कवरेज है वो 5 से लेकर 6 square feet मिलता है, वो भी 2 coat के लिए, अगर आप 1 kg फास्ट फ्लेक्स का मिक्स इस्तेमाल करते हो ऐसे समय में। इसमें आपको जो कोटिंग की मोटाई है वो भी अच्छी खासी मिलती है, जो कि आपको 1.2 mm से लेकर 1.5 mm तक मिलती है। अब हमने कंक्रीट के केमिकल से लेकर वाटरप्रूफिंग के सभी केमिकल के बारे में देखा है। अब रही बात आपके प्लास्टर की, तो प्लास्टर के लिए डॉक्टर फिक्सिट का प्लास्टर मास्टर केमिकल आता है, तो वो भी आपके प्लास्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसके साथ डॉक्टर फिक्सिट के और भी वाटरप्रूफिंग रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप इन में से कौन से केमिकल का इस्तेमाल करना पसंद करोगे उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।